हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सुरक्षा ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जरा। फ्रेंड आप लोग थंबनेल तो देखकर जान लें क्योंकि आज हम क्या बनाने वाले हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि पिक्सल ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आप कोई भी नेम लिखना चाहे तो आप भाई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पहले आर लिखूँगा। आर लिखने के बाद आप लोगों ने करना है सिंपली यहाँ पर आर लिख लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरा कट हो गया, ठीक है। आप लोगों ने आर लिख लेना है। आर लिखने के बाद आप लोगों ने ए बी वाले ऑप्शन में आना है और आप लोगों ने कोई भी फॉन्ट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट लगाऊंगा। इसकी पैडिंग आप लोगों ने कर लेनी है। पैडिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसका साइज़ बड़ा कर लेना है। जितना भी साइज़ आप बड़ा करना चाहें आप भाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका साइज़ रख लिया। फिर आप लोगों ने इसकी कॉपी कर दी है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने ए एन आई लिखना है, ठीक है। मतलब देव अमरानी लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इस पर आप लोगों ने एक और फॉन्ट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर ये वाला फॉन्ट मैं लगा लूँगा। फॉन्ट लगाने के बाद आप लोगों ने कर देखा इसमें स्पेस दे लेनी है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन आप लोगों ने 10 तक स्पेस दे लेनी है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। क्योंकि आर को अगर आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ठीक हो गया। तो तकरीबन मैं यहाँ तक इसको रखूँगा। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने कर देखा फिर इसकी कॉपी कर दी है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर टी लिखना। टी लिखने के बाद आप लोगों ने एक फॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। जितने फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉन्ट इसमें बन रहा है, बाकी जल्दी जल्दी में मैं लगा लेता हूँ। बाकी फ्रेंड आप लोगों ने डी लिखना है तो ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने इसका साइज़ कम कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने आना है, जितना भी आप साइज़ कम करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर डी आप लोगों ने लिखना है तो ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी लिखूंगा और यहाँ पर आप लोगों ने एक और फॉन्ट लगा लेना है, ठीक है। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फोटोग्राफी वाला लगा लेना है। अब जल्दी जल्दी भी मैं डिज़ाइन लगा लूँगा। तो फ्रेंड ये वाला डिज़ाइन बनकर आ गया। आप लोगों ने टी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। टी आप लोगों ने स्माल ए बी सी में लिख लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको सारे वर्ड पर यहाँ पर आप लोगों ने लगा लेना है। फिर आप लोगों ने इसकी कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर लगा लेना है और इसको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। बाकी आप इसका साइज़ काम जो बड़ा करना चाहें आप भाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने शेप पे आना, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। कार्ड पे आना, सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड आप लोगों ने अल्ट्रा में रख कर सेव टू गैलरी करना चाहिए। आपका नेम गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप लोगों ने पी एस टच ऐप में। तो बाकी फ्रेंड यहाँ पर मैं पी एस टच में आ गया। प्लस पर क्लिक करके आप लोगों ने पिक ऐड कर लेने, मैं जल्दी जल्दी में ऐड कर लेता हूँ। तो पिक मैंने ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने प्लस पर आना, फिर फोटो लेयर में आना और यहाँ पर आप लोगों ने अपना भाई नेम ऐड कर लेना है। फिर स्लैब वाला फोल्डर आप लोगों ने ढूंढ लेना है और अपना नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम ऐड कर लिया, ठीक है, रानी वाला। अब आप लोग इसको बड़ा छोटा जितना भी करना चाहे आप कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कर देखा है फर्स्ट लेयर की 2 डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, टोटल 3 लेयर होगी। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, एफ एक्स में और लैटेक में आ जाना। इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना, इसको फुल ब्लैक कर देना, नेम ब्लैक हो जाएगा। अब आप लोगों ने प्लस के साथ जो है करना यहाँ पर आना है और यहाँ पर ब्लैंड बूट में आना है और इसका ब्लैंड बूट स्क्रीन कर देना। अब आप लोगों ने सेकंड लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। इसका एंगल 180 पे कर लेना है और इसका जो ब्लर है ये 5 पे कर दे और इसकी जो डिस्टेंस है ये 6 पे कर देना। ओके कर दिया। अब आप लोगों ने भाई इसका ब्लैंड बूट यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप लोगों ने थर्ड में लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है और मेवल में आ जाना है। कलर इसका ब्लैक कर लेना है, एंगल इसका आप लोगों ने 135 पे कर लेना है। ब्लर और डिस्टेंस फॉन्ट के हिसाब से आप लोगों ने रख लेनी है, जितना भी रखना चाहिए। अब आप लोगों ने इस पर मेवल लगाते जाना है। एक दफ़ा हो गया और ये 2 दफ़ा हो गया और ये 3 दफ़ा हो गया। आप काम जो ज़्यादा भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसका ब्लैंड बूट यहाँ से आप लोगों ने लैटेड कर देना है। अब आप लोगों ने फर्स्ट में लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है। 0.6 इसका ब्लर रखना है और कलर सिंपली आप लोगों ने वाइट कर लेना है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने सेकंड लेयर में आ जाना है और ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड आप लोगों ने प्लस कर देना है, 20-30 पे होनी चाहिए और कंटिन्यूस की टेक ऑन होनी चाहिए। अब मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने और इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसको सेलेक्ट कर देना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है और यहाँ पर टैप पे क्लिक करके आप लोगों ने फिल पे क्लिक रहने देनी है और कलर आप लोगों ने रेड कर लेना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इस मिडिल वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने इस पर भी यही सेम कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी आप लोगों ने सॉरी इसको आप मतलब रेड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आप बाकी कोई पार्ट और रहता है तो आप इसको रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये 3 जो फ्लावर बने हुए हैं इसको आप रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने कर देगा बाकी जो हमारा पार्ट रहता है आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया और ये वाला हो गया
और ये हो गया ठीक, क्योंकि यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने फर्स्ट में लेयर में आना है, यहाँ पर एंड वाले ऑप्शन में आना है, फेलर स्ट्रोक में आना है, टैप पे क्लिक करके द्वेज रखना है ठीक है, और कलर वाइट कर लेना है। इसकी अमाउंट आप लोगों ने तकरीबन 30 तक कर लेनी। यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया ठीक है। यहाँ पर इसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, बाकी इस पर एक और लाइट पीएनजी पे रहती है वो आप लोगों ने लगा लेनी है ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब इस पर लाइट लगानी है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को वो लाइट ऐड करके जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड। लाइट ऐड होगी, अब आप लोगों ने करना है क्या, इसके बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, इसका ब्लैंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है, फिर एंड वाले ऑप्शन में और इसको सिंपली ट्रांसफार्मर पर क्लिक करके आप लोग किसी भी जगह पर इसको लगाना चाहे आप फ्रेंड लगा सकते हैं ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा लिया, अब आप लोगों ने करना है क्या, फिर पेंसिल मैंने इसकी कॉपी कर दी, फिर पेंसिल मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है ठीक है। इसके बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए इसका ब्लैंड मोड स्क्रीन करना है, फिर आप लोगों ने एंड वाले ऑप्शन में आना है और ट्रांसफार्मर से पकड़कर आप किसी जगह पर भी इसको लगाना चाहे आप लगा सकते हैं ठीक है। यहाँ पर ये लग गया ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे लग गया है, लेकिन आप इसको किसी भी जगह पर आप यहाँ से पकड़ कर आप भाई लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है ठीक है। यहाँ पे ये लग गया यहाँ पे ठीक है। आप बाकी आप लोगों ने करना क्या, फर्स्ट लेयर की कॉपी कर लेनी है और जो सेकंड लेयर है इसकी कॉपी कर लेनी है और लास्ट लेयर है इसकी भी कॉपी कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों का ग्लास वर्ड रेडी हो गया है, आप लोगों ने करना क्या, डन पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर लेना। अब आप लोग ने शेयर पर रहना है, सेव टू गैलरी पर रहना है ठीक हो गया। अब पहले पिक पर क्लिक करते हैं, फिर ओके कर देना, ये नेम आपका सेव हो जाएगा फ्रेंड। आज की मेरी बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक बटन शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।